रेशमा बच्चे, माही रानी को देखा है तूने? सुना है बाग की तरफ गई थी? छोटी बीबी किताबें देखने पुरानी लाइब्रेरी की तरफ गई थी। सुबह उन्होंने खुलवाई थी, मुझसे कह रही थी अगर फकीरा मिले तो उसको भी भिजवा दो। पता नहीं इस पुरानी सीधा लाइब्रेरी में कौन से खजाने ढूंढती रहती है। मैं बुला लाऊं उनको? अच्छा जा, कह बनारसन आई बैठी है, आके कपड़े देख लें फिर लड़ेगी मुझसे। सुन, तेरे कहने से कहाँ आएंगी वो, मैं खुद ही जाके देखती हूँ। जी तुम्हें जो समझना है समझो, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैं यहां से चला जाऊंगा माई। तुम यहां ये दोगला नकाब और पर्दे का चोला पहने जमाने को धोखा देती रहो। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है। और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूं जितना तुमने मुझे तड़पाया है, तुम खुद भी उम्र भर तड़पोगी। एक खेल तुमने मेरे दिल के साथ खेला था कभी, मेरी बद्दुआ है कि तकदीर भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेले कि दिल टूटने की तकलीफ तुम्हारी रूह को चला के राख कर दे। पल पल तड़पो तुम, अगर तुम्हें कभी आराम नसीब ना हो। तुमने मुझे दुख दिया है तो अब तुम भी सदा खुशी को तरसोगी। मेरे जख्मों की तरह तुम्हारे भी घाव पे मरहम रखने वाला अब कोई ना हो। माही, माही रानी, यहाँ घुसी क्या कर रही है मेरी धी रानी? हजार बार कहा है तुझे, ये लाइब्रेरी बरसों से बंद पड़ी है, पता नहीं कौन कौन से सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े होंगे इन किताबों में। बस अब शादी तक मैं तुझे हरगिज इस वीराने में आने की इजाजत नहीं दूंगी। चल शाबाश, आ जा मेरी धीरे, चल चल। शाबाश है फकीरा, कब से ढूंढ रही हूं तुझे। मना भी किया है कि ना आने दिया कर माही रानी को इस वीराने में, पर तेरी समझ में नहीं आता। चला अब, ताला लगा यहां और चाबी ला के दे मुझे।